मेले की देश में पुस्तक संस्कृति को विकसित करने के लिए 24वां विश्व पुस्तक मेला आज से राजधानी के प्रगति मैदान में शुरू हो गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मेले का उद्घाटन किया। 17 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में चीन को अतिथि देश बनाया गया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह रिपोर्ट। शनिवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय पुस्तकें मानवीय संवेदनाओं से जुड़े मुद्दों पर आधारित होती हैं, जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों का खाका पेश करती हैं। आई थिंक दैट एज इंडियंस वी कैन रिलेट टू द ह्यूमन इंटरेस्ट साइड ऑफ द पब्लिशिंग बिजनेस। सो टुडे वी नॉट ओनली सेलिब्रेट the exponential growth of the publishing businesses both in India and China, what we also celebrate is that human touch and that emotional thread that is woven with the help of our books and manuscripts. मानव संसाधन विकास मंत्री ने साथ ही क्षेत्रीय लेखकों के उत्थान पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लेखकों को आगे आना चाहिए जो किन्हीं समस्याओं के कारण लोगों तक अपनी अभिव्यक्ति नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जब हम किताबों की बात करते हैं तो वो राइटर्स, वो लेखक लेखिकाएं जो संघर्ष करते हैं प्रादेशिक भाषाओं में, उन्हें कहीं ना कहीं एनबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि वो प्रकाशन की दुनिया में सहज रूप से एक कदम रख सके। हर साल फरवरी में इस मेले का आयोजन होता था, लेकिन स्कूलों में परीक्षाएं होने की वजह से इस बार जनवरी में ही पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का प्रकाशकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार जो मेले का आयोजन जो इन्होंने जनवरी में किया है, ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इस समय सब स्कूल्स अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे होते कि कौन सी किताब उन्होंने लगानी है। तो हम पब्लिशर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इस टाइम हुआ और हम टीचर्स को और स्कूल्स को इनवाइट करके यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमने क्या क्या इस बार हम फेयर में लाए हैं। ये पुस्तक मेले जो है प्रकाशकों के लिए तो बिल्कुल त्यौहार हैं। प्रकाशकों को इसमें एक मौका मिलता है, वो नई नई जो किताबें निकालते हैं उनको वो यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। पुस्तक प्रेमी आते हैं, उनको देखते हैं, कई एक लाइब्रेरियन आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। 9 दिनों तक चलने वाले इस मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर रखी गई है। मेले में पाकिस्तान, जर्मनी, नेपाल, पोलैंड, स्पेन, मिस्र समेत करीब 30 देश और 1000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले में चीन को अतिथि देश बनाया गया है। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं और यही सच्ची दोस्त इन दिनों नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आपका इंतजार कर रही हैं। तो फिर आपका क्या ख्याल है इस पुस्तक मेले के बारे में? आप भी चले आइए इनका दीदार करने। कैमरामैन पूरनचंद जोशी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पुस्तक मेले में इस बार भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल लगाया गया है। प्रकाशन विभाग के इस स्टॉल का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विशेष सचिव J.S. माथुर ने मेले के पहले दिन उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 8 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर प्रकाशन विभाग की ADG साधना राउत भी मौजूद थी। प्रकाशन विभाग मेले में विभिन्न विषयों सहित महान व्यक्तित्वों पर केंद्रित पुस्तकों को लेकर आया है।